तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि मेरे जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसका कैशबैक मुझे मिला नहीं, या उसका ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर कैशबैक मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, सेविंग अकाउंट्स में मिलता है या उसका क्या प्रोसेस होता है। काफ़ी सारे उसके अंदर डाउट्स होते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के कैशबैक से रिलेटेड, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स के जो है वो जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना बता दूं तो यहाँ पे आपको दो मैसेज दिख रहा होगा। पहला ये, यू हैव अर्न अ टोटल कैश बैक ऑफ ₹43 इन जुलाई ऑन योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और कार्ड नंबर ये दिया गया है, विल बी क्रेडिटेड इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो अभी जो महीना चल रहा है वो जुलाई का महीना चल रहा है, और जैसे कि देख सकते हैं जुलाई के महीने में बताया जा रहा है कि ₹43 का कैशबैक जो है वो मुझे मिल गया है, पर ये कैशबैक इस महीने के बिल में सेटल नहीं होगा, वो नेक्स्ट महीने ये बता रहा है, विल बी क्रेडिटेड इन द नेक्स्ट बिल स्टेटमेंट, यानी कि नेक्स्ट जो मैं जुलाई का शॉपिंग किया हूँ, जितने मैंने खर्च किया है उसका बिल अगस्त में जो है वो जनरेट होगा, और जो बिल जनरेट होगा टोटल बिल आएगा उसमें से ₹43 माइनस हो जाएंगे, इनका ये कहने का मतलब है। और उसी तरीके से जो मैंने है वो पिछले महीने यानी कि जून के महीने में शॉपिंग किया था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से, तो इस पे मुझे जो है वो टोटल ₹82 का कैशबैक मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैशबैक ऑफ ₹82 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड टूवर्ड्स योर लास्ट मंथ स्पेंड, यानी कि ये जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ तो जून मंथ का जो बता रहा है कि ₹82 क्रेडिटेड कर दिया गया है। तो ये क्रेडिटेड कहाँ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो टोटल बिल आया था इस महीने का वो 5,900 समथिंग रुपीज का था, तो जून के महीने में मैंने जितनी भी शॉपिंग किया था उन सारे बिल में जो है बिल जनरेट होने के बाद जो टोटल आया था उसमें से ₹82 जो है वो ऑटोमेटिक माइनस हो गया था। ये आपको किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं मिलते हैं, जो आप खर्च करते हैं उसी में से माइनस हो जाते हैं, और इन केस अगर आप अगले महीने खर्च नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके तो अगले 2 साल तक, 2 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है कैशबैक की, तो अगले 2 साल तक आप कभी भी शॉपिंग करते हैं और उसका बिल जो जनरेट होता है उसमें आपके जो भी पिछले कैशबैक होते हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं। ये सेम कैशबैक का मैसेज आपको एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाता है, तो मैं यहाँ से एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेता हूँ। तो ये एक्सिस बैंक एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है, इसमें मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपकी कैशबैक देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये रिसेंट पेमेंट है, मैं जुलाई महीने का जो है आपको कैशबैक दिखाना चाहता हूँ, तो जुलाई महीने में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे आप नीचे आएंगे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, जैसे आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं 6 जुलाई को जो है कैशबैक ₹82 मेरे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कर दिया गया था, यानी कि ये 6 जुलाई को ही आपके क्रेडिट कार्ड में जो है जो भी आपका कैशबैक होता है पिछले महीने का वो डाल दिया जाता है, और इसका बिल जो है वो 11 तारीख को जनरेट होता है। तो पहले आपको कैशबैक मिलता है, इसके बाद आपका 4-5 दिन बाद बिल जनरेट होता है, और जो बिल जनरेट होता है उसमें से जो आपको 4-5 दिन पहले कैशबैक मिला होता है वो माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको कैशबैक मिलता है, आप जो भी शॉपिंग करते हैं आप घबराए नहीं, आपने अगर कैशबैक अर्न किया है तो बैंक आपको जरूर देते हैं। हालांकि इसमें एक सेक्शन जरूर होना चाहिए कि टोटल आपका बिल इतना बना है और इतने का आपको कैशबैक मिला है तो टोटल माइनस होके इतना बनता है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता। हालांकि इसमें एक कमी है, मैं मानता हूँ एक्सिस बैंक को एक सेक्शन यहाँ पे जरूर कैशबैक से रिलेटेड देना चाहिए, पर नहीं दिए हुए हैं। बाकी आपको इस महीने में कितने रुपीज का कैशबैक मिला है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।